हिमाचल प्रदेश का पावटा साहिब इन दिनों गुड़ और शक्कर से महक रहा है। परंपरागत तरीके से चरखियों में तैयार होने वाले गुड़ की डिमांड न सिर्फ हिमाचल में बल्कि देश भर में है, लेकिन सरकार की तरफ से इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। इससे किसान और गुड़ बनाने वाले परेशान हो रहे हैं। पावटा दून घाटी को हिमाचल में अनाज का कटोरा कहा जाता है। यहाँ प्रदेश भर में गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और पावटा दून घाटी में उगाए जाने वाले गन्ने की गुणवत्ता भी अन्य जगहों से बेहतर है। यही कारण है कि यहाँ गन्ने से बनने वाला गुड़ और शक्कर देश भर में एक अलग ही पहचान रखता है। पावटा साहिब क्षेत्र में आज भी प्राचीन तरीके से ही गुड़ और शक्कर बनाए जाते हैं। गुड़ बनाते हैं जी, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का, बैर बैर तक का जाता है, कोई ऐसा नहीं है, यहाँ यही बिकता है जी। बैर विदेश तक का भी जाता है, जो छुट्टी पे आते हैं, बहुत से जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, कनाडा, पंजाब, नखलाऊ तक का जाती है जी। यहाँ से पिछले साल भी मेरे हिसाब से 7-8 क्विंटल शक्कर गई थी जी। पावटा साहिब में बनने वाले गुड़ और शक्कर की खासियत ये है कि इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं डाला जाता। शुद्ध और गुणवत्ता में उत्तम गुड़ शक्कर की हिमाचल के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी खासी मांग रहती है। सर्दियों के मौसम में अन्य राज्यों के गुड़ शक्कर बनाने वाले कारीगर पावटा साहिब में डेरा डाल देते हैं और यहाँ गुड़ शक्कर बनाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करते हैं। गुड़ बहुत अच्छा साफ स्वच्छ तरीके से बनाते हैं, बाहर भी जाता है यहाँ पर गुड़ और शिमला वगैरह भी जी। इसमें हम किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं करते, रंग केमिकल मसाला वगैरह शुद्ध देसी गुड़ बनाते हैं जी। हालांकि पावटा साहिब में उच्च गुणवत्ता और उत्तम स्वाद के स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद बनते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। ना तो गन्ना किसानों और ना गुड़ बनाने वालों को कोई अनुदान दिया जा रहा है, ना ही उत्पादों के विपणन की कोई व्यवस्था की गई है। इतनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ गुड़ पैदा होता है पर उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार यहाँ गुड़ बनाने के लिए कोई किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है और यहाँ जो कोल्ड स्टोर अगर बन जाए और गुड़ की तरफ जो इसकी मार्केटिंग की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो ये बहुत ही अच्छा किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा और हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक वरदान साबित होगा। पावटा साहिब में लंबे समय से किसान संघ की ओर से गुड़ और शक्कर के भंडारण की व्यवस्था की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। भंडारण और वितरण की सुविधा न होने की वजह से कम मात्रा में गुड़ और शक्कर बनाए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ का गुड़ लोग अपने आप बनवा के विदेशों में ले जा रहे हैं, तारीफ हो रही है, लोगों की डिमांडे आ रही हैं, पर फिर भी हमारी हिमाचल सरकार जो है इसकी ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग ये है कि यहाँ एक कोल्ड स्टोर बने जो सीजन के साथ साथ गैर सीजन के ऊपर भी तापमान की वृद्धि हो जाती है, यहाँ उसको देखते हुए सही तरीके से ये इसकी मार्केटिंग हो सके। उच्च गुणवत्ता वाला ये गुड़ कई गंभीर बीमारियों से दूर रखता है तो साथ ही स्वाद को भी बढ़ाने का काम करता है, लेकिन भंडारण वितरण और अनुदान की कमी का असर सीधा सीधा गुड़ और शक्कर की तैयार की जाने वाली मात्रा पर पड़ रहा है। पावटा साहिब से ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट, जी मीडिया।